आप लोग हट जाइए प्लीज। आप लोगों का अनुरोध है कि आप लोग जो है बिल्कुल खाली कर दीजिए। मैं खड़ा हूँ रामपुर के सैनिक नानकार रोड पर, जो कि यहाँ मंडी समिति को जो है रोड मिलता है। इसके आसपास के अगर गांवों की बात करें तो बराबर में सैनिक नानकार है और नई बस्ती भी एक एरिया है, जो कि यहाँ पर अब पानी ने जो है डैम के पानी ने दस्तक दे दी है। बहरहाल यहाँ के जो निवासी लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है, हम उनसे बात करेंगे इस पानी को लेकर। जी भाई साहब, यहाँ पर पानी आया है, कौन कौन सा एरिया लगता है इधर? यहाँ पे गाँव लगते हैं सैनिक नानकार, नई बस्ती, आगे आने वाला गांव बगी, हसनपुर, केसरपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जो इस पानी से बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है इनकी फसल भी, और काफ़ी नुकसान है। जो लोग ना नींद आ रही है ना जग पा रहे हैं, रात को इस तरीके से परेशान हैं कि साहब यहाँ अलर्ट हो गया है कि यहाँ पे पानी आने वाला है। प्रशासन ने पहले यहाँ पर जो हाई अलर्ट जारी कर रखा है, कर दिया था सबको बता दिया था। रात से गाड़ी घूम रही थी, पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी घूम रही थी, उसने भी अलर्ट करा, तहसीलदार साहब ने भी करा, SDM साहब ने भी करा। अब ये पानी आ गया है, इसको पानी रोकने के लिए पूरा प्रशासन रामपुर का यहीं पे सैनी नानकार वाले रोड पे, जो मंडी समिति वाला रोड है, उस पर लगा हुआ है और काम चल रहा है। जी बहरहाल, जैसे कि आपने बताया कि देख सकते हैं पानी यहाँ पर जो है स्टोर होता चल रहा है, जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है, प्रशासन के अधिकारी की अगर बात करें या पुलिस के बात करें, यहाँ पर थानागंज क्षेत्र लगता है, थानागंज की क्षेत्र की जो पूरी फोर्स है वो इस पानी को रोकने में जो है लगी हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, हम आगे की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देख सकते हैं ईओ नगर पालिका रामपुर भी यहाँ पर आए हुए हैं। ईओ नगर पालिका रामपुर जो है वो भी JCB द्वारा जो है पानी को रोकने का पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस पानी की, पानी इन खेतों में आया है, मगर अंडरग्राउंड जो यहाँ पर पाइप पड़े थे उन पाइपों के जरिए जो है पानी अब जो है क्रॉस होना पानी जो है शुरू हो चुका है। नई बस्ती और नानकार की तरफ जो है पानी ने अपना जो है रुख कर लिया है। SDM साहब भी यहाँ पर जो है मौके पर हैं, SDM साहब द्वारा और यहाँ पर नगर पालिका की पूरी जो टीम लगाई है, और अगर यहाँ के लोगों के निवासियों की बात करें वो भी यहाँ पर जो है इस पानी को जो है रोकने के लिए लगे हुए हैं। हर संभव जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो है इस पानी को रोकने में पूरा पूरी कोशिश कर रहा है। नानकार रोड पर जो पानी आया था और पानी जो है पीछे नाले में से निकलना शुरू हो गया था, इसको रोका गया है। पानी को हमने इसलिए रोका है क्योंकि आगे अगर ये पानी बढ़ जाता है तो आगे नई बस्ती है, वहाँ पे काफ़ी जनसंख्या है, वहाँ पानी बढ़ जाएगा और वहाँ से आगे शहर की तरफ पानी बढ़ जाएगा। इसलिए हमने तत्काल देखते हुए इसके यहाँ पे कचरा वगैरह मिट्टी वगैरह डाल के बंद कर दिया गया। जैसे कि अभी हम आगे जहाँ पानी आ रहा है उधर से खुलवाएंगे ताकि प्रेशर और कम हो। पानी सर अब जो है किधर की तरफ को रुक गया है पानी का? पानी हम लोग खौद की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर नाला खुलवा के उधर से पानी को डाइवर्ट करेंगे नहर की तरफ, ताकि शहर की तरफ और पानी ना आए। रामपुर के जो अखिल भारतीय ब्रिगेड के जो विक्की में आए वो हमारे साथ हैं, वो यहाँ पर जो है लोगों के बीच में पहुँचे थे, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर चलते चलते कुछ के यहाँ पर जो है पानी बाढ़ का आ गया था, यहाँ पर स्थानीय लोग जो है इकट्ठा हो गए थे, हालांकि प्रशासन के अधिकारी और पुलिस भी यहाँ पर आई थी। बहरहाल यहाँ पर जो विक्की मियाँ हैं वो भी यहाँ पर जो है लोगों के बीच में पहुँचे हुए हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो कहते तोफाना गेट रामपुर में और घाटमपुर की साइड में भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी है, पानी आया है, लोग वहाँ पर परेशान हैं। हालांकि अगर पानी को प्रशासन द्वारा अगर नहीं रोका जाता तो हो सकता है नानकार में भी पानी पहुँच जाए। नानकार में पानी बाढ़ का छोड़ दिया गया है, बहुत बुरी हालत है। प्रशासन ने आके इसको काबू करा। घाटमपुर हजरतपुर में पानी बहुत हैगा, और आपका इधर उर्दू गेट कटरे में भी पानी बहुत है। वहाँ नुकसान धान बोए लोगों ने, मटर बोई और राई बोई, उसमें किसानों का बड़ा नुकसान है, और किसान तो इस टाइम हर तरफ से पिस रहा है। और जो गई के कसर गई थी बाढ़ ने पूरी कर दी किसानों की। सरकार से हमारी मांगे किसानों को मुआवजा दिया जाए, और जो गाँव के गाँव डूबे हैं उन सबका मुआवजा दिया जाए, और किसी चीज़ की लोगों को परेशानी नहीं हो। बहरहाल मिक्की मियाँ जो कह रहे हैं किसानों को जो नुकसान हुआ है, किसानों की जो फसलें ख़राब हुई हैं, उनको मुआवजा सरकार कहीं ना कहीं दे और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। बहरहाल प्रशासन के स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग इसमें मिला है, स्थानीय लोगों का भी यहाँ के उन्होंने फोड़े और अपने सहयोग से पानी को रोका गया है। हालांकि ग्राम प्रधान ने द्वारा भी यहाँ पर JCB और डंपर मंगाकर उनसे मिट्टी डालकर उस पानी को रास्ते को ब्लॉक पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पर पानी को रोक लिया है, काबू पा लिया। प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। प्रशासन ने जिस लिहाज से यहाँ पर काबू करा है लोगों पर, नानकाल में जो
पानी आया था वो पानी सब रोका है, जीसीपी मंगवा के, चप्पल मंगवा के, और प्रधान जी ने भी यहाँ पर अपने लोगों को लगा के मिट्टी डलवा के पानी रोका है। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रशासन का ख़ास तौर से करता हूँ मैं। शासन प्रशासन ने बड़ा इसमें सहयोग करा है, लोगों की मदद करी है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अपने गंगा पत्थन से कहेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर प्रशासन के लोग जो है लगातार पानी को रोकने में लगे हुए हैं। पानी अभी भी लगातार जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसानों के खेत में होता हुआ पानी जो है लगातार अभी भी चल रहा है। हालांकि जो है अब जो पानी का जो है जानना चाहेंगे, रूट जो है पानी ने अपना बदल दिया है। हालांकि पानी का रूट जो है प्रशासन पहुँच गया, पानी रोकने के लिए सब मिट्टी डाल रहे हैं, और यहाँ के लोग प्रशासन ने नगर पालिका ईओ को बुलाया, एसडीओ साहब आए, तहसीलदार साहब आए, इन सब लोगों ने आके बहुत कोशिश करके मिट्टी डाल के सब पानी रोक रहे हैं। अब आगे पानी नहीं जाएगा। बहरहाल पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से, ग्राम प्रधान की मदद से जो है पानी को रोक दिया गया है, पानी का रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्ला के साथ उबेद खान, चार मीडिया न्यूज़ रामपुर।